नमस्कार दोस्तों, जीएसवी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं जीएसवी सर। दोस्तों, आज हम लोग हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एज प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि आयु संबंधित समस्याएं। तो आइए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। और मैंने सबसे पहले जो है पहले से ही मैंने थ्योरी लिख लिया है ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। और आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और उसके बाद जो है हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक जो है कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया, और आज जो हम कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है एज। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आप ज़रा नज़र डालिए, आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो मैंने थ्योरी लिखा है इसको समझने का प्रयास किया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ए की वर्तमान है, पहला टॉपिक ये जो पॉइंट वन है इसको देखा जाए। पॉइंट वन जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसको देखा जाए। ठीक है, जैसे कह रहा है ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु कितना है? 20 वर्ष है। तो ए की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सिंपल ही इसमें 5 जोड़ देना है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष था, अगर पूछा था 5 वर्ष बाद, तो 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार का ए की 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु 20 था और 3 वर्ष पहले पूछा था, तो इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 20 में से 3 जाएगा आपका कितना, 17 वर्ष। तो ये हमारा पहला पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया। इसमें क्या था कि ए के वर्तमान आयु जो था 20 वर्ष था, 5 वर्ष बाद पूछा था तो 25 हो जाएगा। ए की 3 वर्ष पहले की आयु बताइए, तो वर्तमान में जो दिया हुआ है 20 और 3 साल पहले 40 में से 2 घटा देंगे तो ये वर्तमान में निकला। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए के 3 वर्ष पहले की आई, तो 3 वर्ष पहले की पूछा है तो ये वर्तमान में हुआ, 3 और घटा देंगे तो 40 में से ये 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35। एक बार फिर से समझिए, अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर से बोलते हैं इस चीज़ को, ए के 2 वर्ष बाद जो है 40 वर्ष होगा, यानी ए की जो आयु है 2 वर्ष बाद 40 का होगा, तो यानी वर्तमान में आने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 40 में से 2 घटाया तो ये निकल गया वर्तमान का। लेकिन ए की 3 वर्ष पहले का ना पूछा है, तो इसमें माइनस हम 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 35 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। या ये तो हो गया, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक बता दिया आपको। अब जरा इसको अगर डायरेक्ट करना होगा तो आप बच्चा जैसा इस तरह से करते मत रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यह देखिए हम क्या कह रहे हैं या बोल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको चेहराने दीजिए, नीचे कर देते हैं। देखिए, ए की 2 वर्ष बाद, यहाँ पर है 2 वर्ष बाद, ठीक है, और यहाँ पर है 3 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद, ए की 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुट जाएगा, तो 2 वर्ष बाद 3 वर्ष पूर्व 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 40 था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए की 3 वर्ष पूर्व, पूर्व में हम जा रहे हैं तो माइनस, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा तो कितना होगा, 40 और 5 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 35 वर्ष। तो आप इसको इस तरह से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। और अगर आप बेसिक करना चाहेंगे तो पहले जो है आप वर्तमान का निकाल लीजिए, फिर 3 वर्ष पूर्व का पूछा है तो उसमें 3 घटा दीजिए। ठीक, अब ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु बताइए। तो ए की वर्तमान आयु बताने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, ए 2 वर्ष बाद जो है 40 वर्ष का है, 2 वर्ष बाद 40 वर्ष का है, तो वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो 40 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 वर्ष। तो दोस्तों ये 2 नंबर पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ लिए। अब जरा 3 नंबर पॉइंट पर हम चलते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, यानी सिंगल सिंगल व्यक्ति था, एक ही मतलब सिंगल व्यक्ति का बात कर रहा था। अब जो है 2 या 2 से अधिक देखिए बढ़ते जा रहा स्टेप बाई स्टेप। तो कह रहा है ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक ना। ए तथा बी के वर्तमान आयु का जो कितना वर्ष है भाई, 60 वर्ष है, ठीक ना। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि ए तथा बी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का योग क्या होगा, तो भाई आप जानते हैं यहाँ पर ए तथा बी के वर्तमान आयु का जो कितना है, 60 वर्ष है। अब कह रहा है 2 वर्ष पूर्व के आयु का योग, तो 2 वर्ष पूर्व
यानी दो वर्ष पूर्व जाएंगे तो ए में भी दो वर्ष घटेगा और बी में भी दो वर्ष घटेगा। तो यहाँ पर 60 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा, अभी इसको आप, ये तो बेसिक हो गया, ये हो गया आपका बेसिक, लेकिन अब आपको डायरेक्ट करना होगा तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया था आपका कितना, 60 दिया हुआ था, ठीक ना, 60 दिया हुआ है। अब दो वर्ष पूर्व का कहा था तो दो वर्ष पूर्व के, इसलिए माइनस पूर्व में क्या होता है, माइनस, ठीक है, और कितने हैं दो, ऐसे ऐसे कितने के लिए, दो के लिए, यानी दो वर्ष पूर्व में माइनस होगा, पूर्व में क्या होता है माइनस, और यहाँ पर दो एगो के लिए हो जाएगा तो दो घटेगा फिर दो घटेगा, तो यानी आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं तो फिर भी आ जाएगा कितना, उतना ही आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको, हमने क्या कहा, हमने ये कहा ए तथा बी के दो वर्ष पूर्व के आयु का योग, तो 60 में से दो वर्ष पूर्व, तो यानी ए में भी दो घटेगा और बी में भी घटेगा, तो बेसिक हो गया। अब करा ए तथा बी के, ए तथा बी के दो वर्ष पूर्व के आयु का योग, इसको डायरेक्ट करना होगा तो आपको 60 लिखना है और दो वर्ष पूर्व जा रहा है, दो है तो इसलिए पूर्व में माइनस हो जाएगा, दो गुणे दो कर देंगे तो 56 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर ए तथा बी के तीन वर्ष बाद के आयु का योग क्या होगा, ए तथा बी के तीन वर्ष बाद आयु का योग क्या होगा, तो यहाँ पर ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 वर्ष, कोई दिक्कत। अब कह रहा ए तथा बी के तीन वर्ष बाद, तो तीन वर्ष बाद में क्या होता है, प्लस, ठीक है, और यहाँ पर तीन कितने के लिए भाई, एक और दो, दो के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा तीन गुणे दो यानी कितना, 66 वर्ष। एक बार फिर से समझिए, ए तथा बी के तीन वर्ष बाद आयु का जो क्या होगा, तो वर्तमान में दिया है ए तथा बी के आयु का जो कितना, 60 वर्ष, और तीन वर्ष बाद कहा था, तो तीन वर्ष बाद यानी कि ए के लिए तीन वर्ष, बी के लिए भी तीन वर्ष, या तो आप 60 प्लस तीन प्लस तीन लिखिए तो 66 आएगा, या तो आप 60 बाद में जा रहे थे तो प्लस, ठीक है, तीन वर्ष बाद कितने के लिए, दो के लिए, तो तीन गुणे दो हो जाएगा 66। तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप जब सीख लीजिएगा तो आप डायरेक्ट करिएगा, बच्चा जैसा मत करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तीन नंबर पॉइंट भी आपने क्या कर लिया, सीख लिया। अब हम आते हैं चार नंबर पॉइंट के तरफ, और चार नंबर पॉइंट आप जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चार नंबर देखिए, कह रहा है ए तथा बी के पांच वर्ष बाद की आयु का योग 60 वर्ष है, ए तथा बी के पांच वर्ष बाद के आयु का योग 60 वर्ष है, तो क्वेश्चन में कहा है ए तथा बी के एक वर्ष पूर्व के आयु का योग क्या होगा। तो यहां पर कह रहा था पांच वर्ष बाद का ना कहा था 60 वर्ष है, पांच वर्ष बाद का ना कहा है, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, वर्तमान में बदलना होगा। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, यहां पर क्या करना होगा, चूंकि हम पहले आ रहे हैं तो इसलिए माइनस पांच करेंगे, चाहे ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए जरा फिर से करते हैं। ए तथा बी के पांच वर्ष बाद आयु का योग 60 है, अब हमको वर्तमान में जाना है तो 60 यहां पर तो लिखेंगे, ठीक ना। अब पांच वर्ष बाद है तो वर्तमान में जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा पांच गुणे दो, ये आपका हो गया वर्तमान, ठीक है, क्योंकि पांच वर्ष बाद 60 था तो वर्तमान में जाने के लिए 60 में पांच पांच घटेगा तो वर्तमान में हो जाएगा, तो ये निकला वर्तमान का, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा था ए तथा बी के एक वर्ष पहले, तो एक वर्ष पहले यानी कि माइनस, ठीक है, एक वर्ष पहले कितने के लिए, कितना है, दो के लिए, तो एक गुणे कितना हो जाएगा, दो, तो ये हो जाएगा पांच दूना दस और दो बारह, 60 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 48, तो ये आपका हो जाएगा 48 वर्ष, ठीक है। और जब आप सीख लिए तो अब बच्चा जैसा इस तरह से मत करिएगा, जब आप सीख जाइएगा प्रॉपर तरीके से तो इस तरह से मत करिएगा, इसको डायरेक्ट लीजिएगा। देखिए कैसे हम ले रहे हैं, बी के पांच वर्ष बाद, अब यहां पर ए तथा बी के पांच वर्ष बाद, यहां पर बाद है ना, और ए तथा बी के एक वर्ष पूर्व, तो ये एक वर्ष पूर्व है और पांच वर्ष बाद है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे जानते हैं कैसे, 60 और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, पांच एक कितना, छ, और कितने व्यक्ति था, दो, तो छ 60 में से 12 जाएगा फिर कितना हो जाएगा 48। तो ये आपका हो गया बेसिक और ये आपका हो गया एक शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार पूछा था ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना, 60 लिखिएगा यहां पर, क्योंकि कह रहा था ए तथा बी के पांच वर्ष बाद 60 है तो हमको वर्तमान में जाना है, तो वर्तमान में जाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, पांच और फिर जाएंगे पीछे पांच, तो इसलिए डायरेक्ट दो बार नहीं जाकर गुना कर दीजिए, तो 60 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 50,
तो ये आपका हो जाएगा 50 वर्ष। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चार नंबर पॉइंट जो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर ए तथा बी के 5 वर्ष बाद आयु का जो 60 वर्ष है, 5 वर्ष बाद है, तो वर्तमान में जाएंगे तो क्या करेंगे, 5-5 दो बार घटेगा ना, तो 5-5 दो बार घटाइए या चाहे 5 में 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर, ये 5 नंबर जो है पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कर लिया, और पांचवा पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है ए बी तथा सी के 2 वर्ष पूर्व के आयु का योग 60 वर्ष था, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है इसको वर्तमान में आप निकालिए, तो वर्तमान में निकालिएगा तो लिखिएगा पहले 60, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व ये 60 था, तो वर्तमान में अगर हम जाएंगे तो लिखेंगे 2 × 3, समझ रहे हैं बात को। फिर से ए बी तथा सी के 2 वर्ष पूर्व का एक योग 60 वर्ष था, तो वर्तमान में जाएंगे तो वर्तमान में जाने के लिए यहाँ पर हमको प्लस 2 × 3 करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि 3 था और 2 वर्ष पूर्व से हमको वर्तमान में जाना है, तो 2 + 2 + 2 या आप कह सकते हैं 2 × 3 यानी कितना हो गया, 6। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये क्या निकला, ये वर्तमान का निकला है, लेकिन आपसे पूछा है कि ए बी सी के 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद 3 गो है तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 60 और 6 × 6 = 9 कितना, 75 वर्ष। दोस्तों यहां पर जरा मिट गया है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, नहीं तो फिर आप कहिएगा ये क्या लिखे हैं, था तो, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग पूछा है, ये वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो आराम से निकाल लीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए पहले 60, और यहां पर 2 वर्ष पहले जो था 60 था, तो वर्तमान में जाने के लिए फिर यहां पर 2 × 3 कर दीजिएगा, तो फाइनली हो जाएगा 66 वर्ष। तो आई होप दैट दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा जो मैंने ये बात आपको बताया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे भी कुछ थ्योरी है, और ये मुख्य जो है मैंने 8 थ्योरी लिखा है जो आपके लिए बेहद जरूरी है इस चीज को सीखना और जानना, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब 6 नंबर पॉइंट देखिए, 6 नंबर पॉइंट कह रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अंतर जो है 6 है, ए है और बी है, और दोनों का वर्तमान आयु का अंतर कितना वर्ष है, 6 वर्ष है, ठीक ना। तो दोस्तों यहां पर ए तथा बी के 4 वर्ष बाद भी आयु का अंतर उतना ही होगा, ठीक है, चाहे 4 वर्ष पहले भी आयु का अंतर इतना ही होगा। जैसे मान लीजिए कि ए का उम्र 4 वर्ष है और बी का उम्र जो है 6 वर्ष है, अंतर कितना है इसमें, अंतर कितना है, 2 वर्ष। हम करके दिखा देते हैं एग्जाम्पल में, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ए का जो है वर्तमान में 4 वर्ष है और बी का जो है वर्तमान में 6 वर्ष है, तो अगर हमने कहा कि 2 वर्ष बाद प्लस दे दिए तो मतलब बाद हो गया, तो 2 वर्ष बाद ही कितना होगा, 6, और ये 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए वर्तमान में भी अंतर यहां पर 2 ये है और 2 वर्ष बाद भी अंतर 2 ये है, और 2 वर्ष पूर्व भी कर दीजिएगा ना भाई, तो 4 है वर्तमान में, 2 वर्ष पूर्व जाएंगे माइनस, पूर्व में क्या होता है माइनस होता है, तो 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा 4, फिर भी यहां पर अंतर कितना है, 2 ही है। तो इसका मतलब आपने यहां पर सीख लिया कि अगर किसी व्यक्ति का वर्तमान आयु में अंतर जो भी दिया रहेगा वही अंतर 2 वर्ष बाद भी होगा, वही अंतर 2 वर्ष पहले भी होगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जरा समझिए कि ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है, ठीक ना। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिट गया, इसको हम लिख देते हैं 3 वर्ष। अब देखिए ये 7 नंबर जो है थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, ये आप समझ गए होंगे इसको। अब यहां पर 7 नंबर देखिए, 7 नंबर थ्योरी को समझिएगा भाई, यहां पर जो है कुछ कॉन्सेप्ट है जो बताने योग्य है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। करें 2 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र के वर्तमान आयु से दुगनी है, ठीक ना। हमने क्या कहा कि 2 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है सॉरी 2 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र के वर्तमान आयु से दुगनी है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप अगर इस तरह से निकालिएगा, जैसे यहां पर आप करिएगा कि वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व यहां पर अंतर हो गया 2 का, और हम लोग के अनुसार यहां पर वर्तमान से 2 वर्ष पूर्व कितना का अंतर है, 1 का, ठीक है। अगर पिता का पूछेगा तो यहां पर 2 से, ठीक है। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि 2 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र के वर्तमान आयु से क्या है, दुगुनी है।
तो हमने कहा कि वर्तमान से दो वर्ष पूर्व यहाँ पर दो का अंतर और यहाँ पर कितना का अंतर, एक का अंतर। अंतर के तुलनांतर से पिता निकालेंगे दो से गुना, पुत्र निकालेंगे तो एक से गुना। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह से करिएगा तो ये क्या होगा, पूरा यानी टोटली गलत होगा। तो आप जो है इस तरह से कभी मत करिएगा। और इस तरह का क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, ठीक ना। तो फिर आते हैं हम उस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो गलती हो जाएगा। अब रहा बात कि क्यों गलती हो जाएगा, गलती इसलिए हो जाएगा कि ये जो दिया है पुत्र का वर्तमान का दिया हुआ है और ये जो है दो वर्ष पहले का दिया हुआ है। तब पुत्र का वर्तमान आयु और दो वर्ष पहले का दिया हुआ है, अगर दोनों वर्तमान रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दो वर्ष पूर्व रहता कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, दोनों दो वर्ष बाद रहता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक है आपका वर्तमान में, एक है दो वर्ष पूर्व में। बात को समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहां पर जो है इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस तरह से कभी मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रेशियो दिया है दो वर्ष पहले का दिया हुआ है दो और ये वर्तमान का दिया हुआ है, इसलिए इसमें कभी भी इस तरह से यूज मत करिएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 7 नंबर भी थ्योरी आप समझ गए होंगे और आगे इस पे क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे इस पे क्वेश्चन है, हम बताएंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो तब तक पेशेंस रखिए, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर थ्योरी देखिए क्या कह रहा है, 8 नंबर थ्योरी देखिए क्या कह रहा है। जैसे यहां पर एक चीज और है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब औसत दिया हुआ रहे, ठीक ना, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का औसत दिया हुआ रहे, तो अगर आपसे प्रश्न में कहें कि दो वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगा, दो वर्ष बाद कि उसकी औसत आयु कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा औसत जो भी दिया रहेगा दो वर्ष बाद कहेगा तो उस जो औसत आयु दिया हुआ है उसमें दो जोड़ देंगे और दो वर्ष पहले कह देगा तो उसमें से हम दो घटा देंगे। बस यही फंडा है दोस्तों, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है और ना ज्यादा दिमाग भी लगाना है। अब देखिए यहां पर समझिए, जैसे वर्तमान में यहां ए 10 वर्ष का है और बी 20 वर्ष का है, सी कितना वर्ष का हुआ, 30 वर्ष का हुआ। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां पर जो कितना हो गया, 60 हो गया, 10, 20, 30, 30, 30 कितना हो गया, 60। तो अगर औसत निकालेंगे तो औसत बराबर कुल राशियों का जोग बटा मून की 1, 2, 3 संख्या, 20 हो गया औसत। तो हमने क्या कहा, फिर उसी प्रकार दो वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 8, फिर दो वर्ष पहले 18, दो वर्ष पहले 28 और इसका योग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54। 54 में 3 से भागा देंगे, औसत 3 है, यहां पर 3 संख्या है तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 3 वर्ष वर्तमान में 10 दिया है, 3 वर्ष बाद 13 और यहां पर 20 है तो 23, 30 है तो 33। अगर यहां पर योग करेंगे 69 और 69 में औसत निकालेंगे तो भाग दे देंगे कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक ना। तो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहे तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर वर्तमान में जो औसत दिया है, वर्तमान में जो औसत दिया है आपसे कहेगा कि बताइए इसका जो है दो वर्ष पहले इसका औसत क्या हो जाएगा, दो वर्ष पहले औसत क्या हो जाएगा इसका, यानी कि एबीसी तीनों का औसत दो वर्ष पहले, तो दो वर्ष पहले में सिंपल सा क्या करना है, यहां पर आपको दो घटा देना है। देख लीजिए यहां पर वर्तमान में औसत कितना है, 20 है और दो वर्ष पहले का आता औसत कितना हो गया, 18, घट के कितना है, 18। उसी प्रकार अगर आपसे कहेगा कि 3 वर्ष बाद औसत क्या है, एबीसी का औसत आपका 23 है, एबीसी का औसत कितना है, 20 है, सॉरी 23 बोल दिए, एबीसी का औसत कितना है, 20। आ कहेगा कि 3 वर्ष बाद इसका औसत क्या होगा, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, यानी औसत कितना हो गया, 23 हो गया। तो आप समझ रहे हैं हमने क्या कहा कि जब भी आपको दो या दो से अधिक व्यक्ति का औसत दिया हो रहेगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति का औसत दिया हो रहेगा दोस्तों, तो सिंपल सा एक काम करना है, जब आपसे कहेगा कि बताइए दो वर्ष पूर्व क्या होगा, तो उसमें क्या करना है, सिंपल दो घटा देना, वही दो वर्ष पूर्व का उसका औसत हो जाएगा। और दो वर्ष बाद का बात कहेगा तो जो औसत दिया है ना उसमें हम दो जोड़ देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा। तो ये चीज दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से एक बार इसका जो मैंने थ्योरी लिखा है सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो है हम आगे चलते हैं, अपने यूथ से क्वेश्चन कराते हैं और आपको बिल्कुल दोस्तों समझ में आएगा, कहीं भी 0.1% भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से, आपसे मेरा ये प्रोमिस है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए अब हो गया होगा, अब हम क्वेश्चन को करते हैं, इसको पूरा मिटाते हैं, ठीक है। चलिए भाई हो गया होगा ये सब, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन कराते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है,
हम जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए टाइप वन है और क्वेश्चन नंबर वन है, इसको हम पढ़ते हैं। लिख देते हैं पहले एज टाइप वन, ठीक है। और दोस्तों आज केवल हम टाइप वन ही करा पाएंगे। देखिए पिता और पुत्र की आयु का अंतर जो है 24 वर्ष है। पहला क्वेश्चन समझिए, पिता और पुत्र की आयु का अंतर जो है, पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है, कितना है? 24 वर्ष है। पहले दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। देखिए पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, दो वर्ष पूर्व, दो वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। याद करिए सात नंबर थ्योरी, याद करिए सात नंबर थ्योरी, ठीक है। तो हमने कहा कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, दो वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, आइए देखिए इसको करते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 24 वर्ष का अंतर है, और क्वेश्चन में कह रहा था कि पिता की आयु जो है दो वर्ष पहले, यानी दो वर्ष पहले जो पिता है, दो वर्ष पहले जो पिता है, ठीक है, पुत्र के वर्तमान आयु से दुगुनी है, ठीक है। अब इसको जो जरा जो है ये निश्चित, ये जो दिया है रेशियो हमेशा अनिश्चित टर्म में दिया रहता है, तो इसको हम कांस्टेंट से गुणा करा के निश्चित कर देते हैं, ठीक ना। तो पहले बेसिक कराते हैं, उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा हम अपना खाटी मेथड लगाएंगे। तो दोस्तों दो वर्ष पहले ना पिता ये 2k है, तो वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा, 2k+2, लेकिन पुत्र तो वर्तमान में तो इतना ही ना होगा। अब देखिए दोनों वर्तमान वर्तमान में हो गया, और यहां पर पिता और पुत्र के आयु में कितना का अंतर है बताइए, 24 का, तो 2k+2, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1k=24। तो इधर हो जाएगा 2k+2 -k=24, तो हो जाएगा दोस्तों k=22। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तब पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो 2k, तब 22 × 44 दो कितना, 46 वर्ष, 22 × 44 और दो 46 वर्ष। लेकिन ठहरिए, इतना से काम नहीं चलेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक। अब जरा ध्यान दीजिएगा खांटी मेथड का कमाल, इसको मिटाते हैं। देखिए दो वर्ष पूर्व दिया है पिता, तो हम लिखते हैं दो वर्ष पूर्व पिता, और यहां पर जो पुत्र है, लेकिन पुत्र का वर्तमान, और पुत्र का वर्तमान आयु से क्या है, दुगुनी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर, अगर मैं ऐसा कुछ मान लूं कि जो 24 अंतर आना चाहिए, तो अगर मैंने यहां पर पिता 26 कर दिया और पुत्र यहां पर 2 कर दिया, तो 26 - 2 = कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, अंतर है ना 24 लाना था, ठीक। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, पता है क्या, तो आप मेरे को बताइए कि पिता जो है अभी 26 साल का है, पिता अभी कितना साल का है, 26 साल का है, तो दो वर्ष पहले पिता कितना साल का, दो वर्ष पहले पिता कितना साल का होगा, 24, दो वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 24। ये दो वर्ष पूर्व हुआ, दो वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, और यहां पर पुत्र जो है कितना है, 2 है, और यह हो गया आपका पिता, पिता हम लिख दे क्या यहां पर, फादर कर देते हैं, दोस्तों समझाना है इसलिए इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन बनेगा, हमने क्या कहा, 26 में से 2 घटा देंगे, 24 पिता पुत्र का अंतर 24 का था, मैंने कर दिया, और जो ये क्वेश्चन दिया था वही मैंने ये लिखा है। फिर 2 वर्ष पहले मैंने करा पिता, तो ये 2 वर्ष पहले पिता कितना, 24, और पुत्र वर्तमान में यहां पर कितना, 2, तो यहां पर 24 और 2 में कितना का अंतर है बताइए, 22 का अंतर, क्यों, क्योंकि पुत्र का यहां पर वर्तमान में ही कर देते हैं भाई, वर्तमान में यहां पर सन हो गया और यहां पर इसका फादर हो गया, तो यहां पर जो दिया है ना, 2 वर्ष पहले वर्तमान में कितना का अंतर है, यानी पुत्र में और 2 वर्ष पहले पिता में कितना का अंतर, 22 का अंतर, और यहां पर वर्तमान में अब 2 वर्ष पहले कितना का अंतर, 1 का अंतर, तो अंतर की तुलना अंतर से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पिता की आयु बताइए, तो पिता का निकालेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, लेकिन ये 2 से गुना किए तो निकला जरूर,
लेकिन ये निकला है दो वर्ष पहले का ना, तो पहले से वर्तमान में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 वर्ष। दोस्तों इसको एक बार फिर से कर देते हैं, हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आया हो, ठीक है। देखिए फिर से कर देते हैं, चाहे इसको समझा देते हैं फिर से एक बार। पिता और पुत्र का अंतर था 24 का, मैंने अंतर डिफरेंस ले लिया, और जानते हैं यहां पर अंतर दिया था तो जाहिर सी बात है पिता ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है। तो 26 में से दो जाएगा 24, पिता हो गया 26, दो वर्ष पहले आएंगे तो यहां पर दो वर्ष पहले पिता 24, वर्तमान में यहां पर पुत्र कितना, इतना। तो यहां पर जो है वर्तमान से दो वर्ष पहले पिता 22 का डिफरेंस था, और हम लोग के वर्तमान से दो वर्ष पहले पिता 1 का डिफरेंस था, इसका तुलना इससे निकालना था पिता, तो पिता तो निकला जरूर लेकिन दो वर्ष पहले के निकला, इसलिए उसमें वर्तमान में जाने के लिए दो जोड़ना पड़ेगा, और दोस्तों यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये इसमें थ्योरी छुपा था, इसके वजह से मेरे को इतना करना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट हम कर देते थे, डायरेक्ट कर देते, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया और पहला क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिए, और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक माँ और पुत्री के आयु का अनुपात 9:2 है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, माँ और पुत्री है, यहां पर हमने लिखा माँ और पुत्री, तो प्रेजेंट में दिया है, क्या दिया है भाई कि जब पुत्री 2 वर्ष की है ना तो उसकी माँ जो है 9 वर्ष की है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय, अच्छा पुत्री जब जन्म ली होगी, पुत्री जब जन्म ली होगी तो ये 0 साल की होगी, तो इसकी माँ कितनी साल की होगी, जन्म के समय 7 साल की होगी, क्योंकि यहां पर अंतर कितना का है 2 का, इधर भी अंतर कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, कह रहा है पुत्री के जन्म के समय माँ जो है 28 वर्ष की थी, पुत्री के जन्म के समय यानी पुत्री जब जन्म ली थी यानी 0 वर्ष की थी तब माँ 28 साल की थी, और यहाँ पर माँ जब जन्म ली थी कितना साल की थी, 7 साल की थी, तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में पूछा था पुत्री के वर्तमान आयु क्या होगा, तो जो पूछता है उसको गुना 7 × 28, 4 × 8, यानी पुत्री कितना वर्ष की हो जाएगी, 8 वर्ष की हो जाएगी, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा फास्ट करा जाए भाई क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब फास्ट करते हैं, एक माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, तब पुत्री की आयु कितनी होगी, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, 5 वर्ष बाद, ठीक है। कह रहा है कि पुत्री की आयु, जो पुत्री है माँ की जो वर्तमान आयु है, माँ की वर्तमान आयु से आधी है, कौन, पुत्री की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर भाई एक चीज, माँ और पुत्री में कितना का डिफरेंस था, यहां पर ले लीजिए आप, मदर और डॉटर में कितना का डिफरेंस है, कितना का है, 20 का है, तो 20 का है तो भाई जाहिर सा बात है ये होगा 40, मदर हो जाएगी और उसकी बेटी 20, तो घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तब 5 वर्ष बाद पुत्री कितना साल की होगी बताइए, देखिए अभी जो है पुत्री अभी जो है कितना साल की है, 20 वर्ष की है, तो 5 साल बाद पुत्री इसमें कितना होगा, 25 जोड़ना पड़ेगा ना, तब 5 साल बाद पुत्री कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष की। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 साल बाद जो है यहां पर इसकी पुत्री 25 साल की हो जाएगी, और वर्तमान में माँ यहां पर कितना, 40, तो यहां पर जो दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद पुत्री और माँ के बीच 15 का अंतर है, 5 वर्ष बाद, यहां पर 5 करिए देते हैं नहीं तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत में चले जाएंगे, 5 वर्ष बाद पुत्री 25 लेकिन माँ तो 40, ठीक है, तो यानी वर्तमान का मान का दिया है ना, तो हमारे कहने का मतलब कि 5 वर्ष बाद पुत्री ये है और माँ ये है, इसमें अंतर है 15, अब 5 वर्ष बाद पुत्री और माँ में अंतर है 1 का, तो अंतर का तुलना अंतर से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पुत्री की आयु क्या होगी, तो पुत्री का निकालेंगे तो इसमें 1 से गुना, लेकिन ये निकला जरूर लेकिन 5 वर्ष बाद का ना निकला है, तब 5 घटा दीजिए तो डॉटर का निकल जाएगा, तब 15 में से 5 जाएगा 10 वर्ष, और यही आपका फाइनली क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इसमें कॉन्सेप्ट है इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा,
चार नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि चार वर्ष बाद एक परिवार के दो सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी, चार साल बाद। कह रहा है कि चार वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, चार वर्ष पहले। तो कह रहा है क्वेश्चन में उन दोनों में सबसे छोटे वाले की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए चार वर्ष बाद दो सदस्य है, चार वर्ष बाद दो सदस्य मान लीजिए ए और बी है, और चार साल बाद इनका जो कुल आयु का जो योग है 64 वर्ष है, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या करेंगे, इस 64 को लिखेंगे, चार वर्ष बाद है वर्तमान में आने के लिए घट जाएगा 4×2, तो 64 में से 8 जाएगा कितना 56, तो ये वर्तमान में निकल गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि चार वर्ष पहले, चार वर्ष पहले, तो चार वर्ष पूर्व किसका किसका दिया है, दो सदस्य, पहला सदस्य और दूसरा सदस्य, रेशियो कितना दिया है 3:1, ठीक है। तो चार वर्ष पहले हम लोग के अनुसार, अब चार वर्ष पहले यहां पर हमको जाना है, तो वर्तमान में कितना है 56, चार वर्ष पहले जाएंगे तो चार वर्ष पहले जाएंगे तो इसमें क्या कटेगा, घट जाएगा, चार चार आठ घटेगा, तो ये हो जाएगा 48। फिर से समझिए, वर्तमान में हमारा 56 था, वर्तमान में हमारा 56 था भाई, और हमको चार वर्ष पहले जाना है, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चार वर्ष पहले जाएंगे तो दोनों में ना चार चार घटेगा, इसलिए 4×2 कर दिए, या -4 करके घटाइए, या 4×2 कर दीजिए, तो 56 में 60 जाएगा कितना 48। तो हम लोग के अनुसार चार साल पहले जो चार है यहाँ पर निश्चित राशि में जो कितना 48, इसको 48 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना, इसमें भी 12 से गुना। अब जो पूछा है निकाल दीजिए, कह रहा है उनमें दोनों में सबसे छोटे की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों में सबसे छोटे, तो छोटे तो ये हो जाएगा, चार साल पहले जब ये 12 वर्ष का है, चार साल पहले जब ये 12 वर्ष का है तो वर्तमान में क्या करना होगा, वो चार जोड़ देना पड़ेगा, तो कितना वर्ष का हो जाएगा 16 वर्ष। तो छोटा पूछा था तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये चार नंबर क्वेश्चन हो चुका, अब हम लोग करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, और 5 नंबर क्वेश्चन आप जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है एज का। देखिए चार तो हो गया, अब 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन को हम जरा पढ़ देते हैं दोस्तों। कह रहा है दो बच्चों की आयु का योग जो और अंतर जो है 33 और 3 है, दो बच्चों की आयु का जो योग दिया है और अंतर दिया है, योग दिया है 33 और अंतर दिया है 3, बड़े बच्चे की आयु कितनी है, ये तो आसान है। जब आपको दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ रहे और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहे, तो बड़ा के लिए एक बार दोनों को जोड़ के आ 2 से भाग दे दीजिए, बस आ गया 18 वर्ष, यही पूछा था बड़ा। अगर छोटा निकालना होता, अगर बड़ा मैंने ए माना छोटा बी माना, तो छोटा निकालना होता 33 में से 3 जाएगा 30, 30/2, एक बार घटा के, एक बार ही दोनों को सटा के 2 से भाग, एक बार दोनों के घटा के हटा के 2 से भाग, यानी 15 वर्ष होगा, लेकिन आपसे पूछा था कि बड़े वाला, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु 56 थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन। 3 व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, और यहाँ पर प्रेजेंट में रेशियो दिया है 4:7:9। अब कहा है कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले जो दिया है, 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 थी, तो वर्तमान में निकाल दीजिए ना आयु का योग, तो अब यहाँ पर 56 तो लिखाएगा, 8 वर्ष पहले जाना है तो +8×3 कर दीजिए, या +8, 8, 8 तीनों के लिए ऐसे करिए, तो ये हो जाएगा आपका 80। यहाँ पर हो जाएगा 16 जोड़ दीजिए, 9, 7, 16, यहाँ पर जोड़िएगा 9, 7, 16, 4, 20। अब बताइए प्रेजेंट में तीनों का आयु का योग यहाँ पर जो 80 दिया है, यहाँ पर दिया है कितना 20। अब बताइए प्रेजेंट में तीनों का योग 80 है, एक जगह 20, दोनों अलग जोगे हैं, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, तो इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना, क्योंकि रेशियो का रूल होता है कि जब इसके एक टर्म में गुना करते हैं उस डिजिट है, तो उसके साथ जितना भी टर्म रहता है उस सब में गुना कराते हैं। तो कहा है बड़ा बड़ा व्यक्ति पूछा था, क्या पूछा था, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो यही ना है, तो ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष, और दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो हो गया, चलिए हो गया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए।
कहा है कि अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। ये तो और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है। देखिए ये हो गया पिता, आई हो गया पुत्र, और ये हो गया आपका जन्म, जन्म नहीं मतलब पिता और पुत्र का जन्म, आई हो गया आपका प्रेजेंट में, ये वर्तमान में। तो क्वेश्चन में जानते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अपने पुत्र के जन्म के समय, यानी पुत्र के जन्म के समय, अपने पुत्र के जन्म के समय, पिता है तो पुत्र के जन्म के समय, यानी 0 साल का होगा पुत्र उसका, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, पुत्र के वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि अपने पुत्र के जन्म के समय जो पुत्र का वर्तमान आयु है पिता के वर्तमान आयु के क्या था, बराबर था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 0 से जब यहाँ पर बढ़ गया 20 हुआ, तब पिता 20 था तो इसमें भी ना 20 बढ़ेगा, तो पिता कितना हो जाएगा 40। तो यही ना पूछा था कि पिता अब कितना साल के होगा, है ना, आसान, देख रहे कितना जल्दी में मैंने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 8 नंबर, 7 तो हो चुका, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। देखिए पी क्यू आर यहां पर हम करते हैं, पी क्यू और आर, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से, पी जो है क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, तो क्यू एक साथ ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा था कि क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू जो है आर से 4 वर्ष छोटा है, तो R से 4 वर्ष छोटा है कौन, Q, यानी ये 4 वर्ष क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, फिर से Q R से 4 वर्ष छोटा है, तो Q R से 4 वर्ष छोटा है यानी कि R Q से 4 वर्ष बड़ा है। यहां तक समझ में, एक बार फिर से बोलते हैं कह रहा है कि P Q से 2 वर्ष बड़ा है, देखिए P जो है Q से कितना वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा हो गया, Q R से 4 वर्ष छोटा है, Q जो है R से 4 वर्ष छोटा है, तो R से 4 वर्ष छोटा है यानी R 4 वर्ष Q से बड़ा है, तो यहां पर जोग इतना प्रश्न के अनुसार जोग दिया है 27, तो ये तो जोग है इसलिए सब आपस में क्या है बराबर है, तो 3x प्लस 6 बराबर 27, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 3x सेम डायरेक्शन में उधर जाके घटेगा, 21 3 7 21, x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब आपसे Q का पूछा था, Q की आयु कितनी है, तो भाई मेरे क्यू का आयु हो जाएगा 7 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, पी की आयु क्या होगा। देखिए 6 वर्ष पूर्व कहा है पी और क्यू है और ये 2 व्यक्तियों का उम्र का रेशियो दिया हुआ 3:2 और 4 वर्ष बाद का बात बोला है, तो 4 वर्ष बाद जो है ये आपसे कहा है कितना 8:7। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा, इसका डिफरेंस समान करना पड़ेगा, और डिफरेंस समान करने के लिए जो नीचे का डिफरेंस होता है वो ऊपर में गुना होता है और जो ऊपर का डिफरेंस होता है वो नीचे में गुना होता है। जैसे 8:7 में कितना का अंतर, 1 का, तो ऊपर में 1 से गुना करिए, और 3:2 में कितना का अंतर, तो 1 का, तो नीचे में 1 से गुना कर दीजिए। और दोस्तों अंतर जब समान रहता है तो समान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 2 से 7 5 का अंतर, 3 से 8 5 का अंतर, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर यहाँ पर अंतर समान नहीं रहता तो नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में गुना और ऊपर का डिफरेंस जो रहता है नीचे में गुना। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अंतर हो जाएगा, जुट जाएगा 10 और यहाँ पर अंतर है 5। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पी की आयु कितनी है, तब पी का निकालेंगे तो 3 से गुना, लेकिन ये पी का निकला जरूर लेकिन 6 वर्ष पहले का निकला हुआ है, तो वर्तमान में जाने के लिए 6 जोड़ देंगे तो ये पी का निकल जाएगा, 5 × 10 3 × 6 6 कितना 12 वर्ष, और दोस्तों आंसर हो गया 12 वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 नंबर करते हैं, 10 नंबर करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है 10 नंबर,
दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। दीपिका का आयु कितनी है? दीपिका और उसकी माँ, देखिए ये दीपिका हो गई और उसकी मम्मी है मदर, और ये 11 साल की उसकी मम्मी है, रेशियो दिया हुआ है तो 3 साल की दीपिका है। कब है भाई? प्रेजेंट में दिया हुआ है। 3 साल बाद जो है कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रेशियो कह रहा है 1:3। अब देखिए यहाँ पर अंतर 11:3:8 का है, 3:1:2 का अंतर समान नहीं है। अंतर समान करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना करिए, और ऊपर का जो डिफरेंस है 3:11 में डिफरेंस का 8 का था तो नीचे में 8 से गुना कर दीजिए। अब वर्तमान से 3 वर्ष बाद यहाँ पर 3 का अंतर, हम लोग के अनुसार यहाँ पर अंतर देख लीजिए, 11:22 और 3:24, 2 का अंतर। अंतर के तुलनांतर से क्वेश्चन में पूछा था दीपिका क्या क्या होगा, तब 3×6, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना, 2×3=6, 3×3=9, यानी दीपिका हो जाएगी 9 वर्ष की। चलिए 11 नंबर देखिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। एक सर्वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल पहले इनके आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? देखिए एक सर्वाई है, एक सर्वाई जो है प्रेजेंट में दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना दिया है? 3:4, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितना दिया है? 5:7, अंतर समान है तो 4 से 7, 3 से 5, इधर 3 का है इधर 2 का, अंतर समान नहीं। अंतर समान करने के लिए 5-7 का डिफरेंस 2 का ऊपर में 2 से गुना करिए, और 3-4 का डिफरेंस 1 है इसमें 1 से गुना। अब देखिए अंतर समान हो गया, 8 से घट गया 7, 6 से घट गया 5, अंतर यहाँ पर वर्तमान से 5 साल पहले 5 का अंतर, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना का अंतर? 1 का अंतर, अंतर के तुलनांतर से, ठीक ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वाई की वर्तमान आयु, तो वाई का वर्तमान पूछा है तो 8 से गुना, तो 8×5 कितना? 40 वर्ष, और ये आपका आंसर होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा, माता की वर्तमान आयु क्या होगा? पिता माता पुत्री, पिता यानी कि फादर श्री, मदर श्री, और डॉटर मतलब उसकी बेटी या पुत्री, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो जो दिया है ना भाई, प्रेजेंट में पिता 22 साल के हैं और माँ जो है 2 साल छोटी है यानी 20 साल की है, और पुत्री जो दिया हुआ है भाई कितना? 9 साल की है, तो प्रेजेंट में दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रेशियो दिया है 27:25:14। अब यहाँ पर प्रेजेंट से 10 साल बाद 10 का अंतर, और यहाँ पर देख लीजिए सब में अंतर उतना ही का है, 5-5 का अंतर है, देख लीजिए सब में अंतर कितना का? 5 का अंतर के तुलनांतर से, वर्तमान से 10 वर्ष बाद 10 का अंतर, हम लोग के अनुसार 5 का अंतर। क्वेश्चन में पूछा है माता की वर्तमान आयु क्या होगा भाई, माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान प्रेजेंट वाला ना, तो 20 से गुना, तो इसमें 20 से गुना करेंगे, 5×20 और 10×40, यानी माता श्री कितने वर्ष की हो गई? 40 वर्ष की। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करिए भाई। चलिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ये तो हो चुका होगा, देखिए 13 नंबर, इसको मिटाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा मतलब फ्यूचर में था, मतलब पास्ट में, तो वर्तमान में सागर की आयु क्या होगा? ठीक है, तो सागर की वर्तमान आयु देखिए, 6 साल पहले साइना, 13 नंबर है, 6 वर्ष पूर्व साइना, तो यहाँ पर मैंने साइना कर दिया, साइना, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सागर, रेशियो दिया है कितना? 6:5 था, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 साल, अगले 4 साल यानी अगले 4 साल यानी 4 वर्ष बाद, अब कह रहा है रेशियो की 11:10 हो जाएगा,
इधर डिफरेंस 5 है, इधर डिफरेंस 5 है, तो फिर डिफरेंस समान करने की जरूरत नहीं है। ये अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा, अंतर कितना 10, हम लोग के अनुसार अंतर कितना 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान में सागर की आयु क्या है, तो भाई सागर का निकालेंगे तो 5 से गुना, लेकिन ये सागर का निकला जरूर, लेकिन कब का, 6 साल पहले का, तो वर्तमान में जाएंगे तो 6 जोड़ेंगे तो ये हो गए सागर साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दुना 10 और 16 हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, 5 दुना 10, फिर 2 5 10 प्लस 6 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एस आर से 7 वर्ष छोटा है, एस जो है ना आर से 7 वर्ष छोटा है, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, एस और आर का अनुपात दिया है 7:9 है। यहां पर कह रहा है कि एस जो है आर से 7 वर्ष छोटा है, यानी आर बड़ा है, और यहां पर आर कितना वर्ष बड़ा है, यहां पर 7 वर्ष छोटा मतलब होता है दोस्तों अंतर होता है। देखिए यहां पर 7 वर्ष छोटा है, हम लोग के अनुसार यहां पर कितना छोटा, 2। छोटा और बड़ा का मतलब होता है अंतर, ठीक है। तो यह चीज को आपको ध्यान देना होगा, जब भी आपसे कहेगा कि इतना बड़ा है इतना छोटा है, इसका मतलब अंतर होता है। तो यहां पर कह रहा था कि यहां आर जो है बड़ा है एस से 7 वर्ष, और यहां पर आर कितना वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष, अंतर के तुलनांतर से क्वेश्चन में पूछा था क्या एस की आयु, तो एस की आयु पूछा था तो 7 से गुना, तो 49/2 तो हो जाएगा 24.5 वर्ष, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, है ना। देखिए, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का जो 105 वर्ष है, ठीक है। एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं व्यक्ति जो है टोटल 6 है और उनकी कुल आयु का जो जोग है ना 105 है, तो कह रहा उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, यानी सब का जो है एज में जो है 5 वर्ष का गैपिंग है। तो कह रहा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स लेना है, पहला मान लीजिए छोटका एक्स वर्ष का पैदा हुआ तो अगल का जो पैदा होगा एक्स प्लस 5 का पैदा होगा। इसी प्रकार आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो मान लीजिए कि अगर ये 5 वर्ष का अंतर है तो 5 है, ठीक है, तो 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 15 20 25 30। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति। और क्वेश्चन में आपसे कहा था क्या सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो छठा व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति है, जिसका उम्र कितना वर्ष, 30 वर्ष। कुछ करना था इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। बाकी आपका जो है जो दिया है बुक में देख लीजिएगा कैसा बनाया हुआ है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। क्या कह रहा है भाई, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, नरेश की वर्तमान आयु क्या होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया नरेश और ये हो गया सुपर्णा, 7:3 दिया हुआ है प्रेजेंट में ना, तो कह रहा है कि 3 साल बाद, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रेशियो कितना दिया है, 2:1। तो अंतर समान है तो नहीं, तो अंतर समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस है, यानी 2:1 का डिफरेंस 1 का ऊपर में 1 से गुना, 7:3 का डिफरेंस 4 नीचे में 4 से गुना, तो 2 इसमें 1 से गुना कर दीजिए और इसमें 4 से गुना करिए। अब देखिए ना अंतर समान हो गया, 3 से कितना हुआ 4, 1 बढ़ा, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद 3 का अंतर, यहां पर कितना का अंतर, 1 का अंतर। क्वेश्चन में पूछा था कौन सी, नरेश की वर्तमान आयु, तो 7 से गुना, तो 7 3 21 वर्ष नरेश हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एक्स और वाई है जिसका रेशियो 5:4 दिया है,
अब से 3 वर्ष बाद जो है उनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी? भाई एक्स और वाई की जो प्रेजेंट में उम्र दिया हुआ है, एज जो दिया है, 5:6 दिया है, यानी ये 5 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का रेशियो है। और 3 वर्ष बाद जो कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो कह रहा है कि 11:9 कितना है, 9 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई की वर्तमान आयु क्या है? डिफरेंस समान है तो नहीं है, क्योंकि 4 से हो गया 9, 5 से हो गया 11, 6 तो नहीं है, डिफरेंस समान करिए। 11:9 में कितना का अंतर है? 2 का, तो ऊपर में 2 से गुना, 5, 4 में कितना का अंतर है? 1 का, तो नीचे में 1 से गुना। वर्तमान से 3 वर्ष बाद 3 का अंतर, यहाँ पर 8 से हो गया 9, कितना का अंतर? 1 का, तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में पूछा वाई की वर्तमान आयु, तो वाई यहाँ पर है कितना, 8 दिया, कितना, 24 वर्ष, तो ये हो गया भाई आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि एस और ए की वर्तमान आयु 5:5, एस और ए की जो वर्तमान आयु है 5:4 है। पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। एस और ए की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:4 के अनुपात में है, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। एस की वर्तमान आयु क्या है? हो जाएगा का मतलब फ्यूचर में था, मतलब पास्ट में, और प्रेजेंट को तो आपको पता ही है, मतलब प्रेजेंट में, ठीक है। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये रेशियो कितना दिया है? 11:9। अंतर समान है तो नहीं है, तो अंतर समान नहीं है तो समान करिए। 11:9 का डिफरेंस 2 का, ऊपर में 2 से गुना, 5:4 का डिफरेंस 1 का, नीचे में 1 से गुना। वर्तमान से 3 वर्ष बाद 3 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, देख लीजिए 1 का अंतर है, 8 से हो गया 9, यानी कितना बड़ा, 1, तो अंतर का तुलनांतर से क्वेश्चन में पूछा था क्या, एस की वर्तमान आयु, तो 10 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका 30 वर्ष, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 19 क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं भाई, कह रहा है, इसको पहले मिटा दें। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका तो एकदम बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक है। कह रहा है कि अमन बिनेस उतना ही छोटा है जितना अरुणा से बड़ा है। जब भी कहेगा उतना ही छोटा है जितना अरुणा से बड़ा है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो एक रूल याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो रूल क्या है भाई? तो वो रूल है 2-3-1। क्या है? अमन बिनेस और अरुण लिखिएगा, अमन, ठीक है, फिर क्या दिया है, बिनेस, और फिर रखिएगा अरुण, और रूल याद करिएगा कौन सी, जब भी कहेगा इतना ही छोटा है बिने से उतना ही छोटा है जितना की, उतना ही जितना की, तो रूल याद करिएगा 2-3-1। कह रहा था कि अरुण बिने का आयु का जोग 40 वर्ष है, अरुण बिने का आयु का जोग 40 वर्ष है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर जो कितना 4, तो जोग का तुलना जोग से कहा था अमन का, तो 2 से गुना, तो 10 से 40 है, 10 × 20, तो ये हो गया 20 वर्ष, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हो गया होगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा है कि जे और के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है, 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा, तो के की वर्तमान आयु क्या है? जे और के का वर्तमान आयु, जे एवं के की वर्तमान आयु जो है प्रेजेंट में 11:6 दिया है, ये प्रेजेंट में दिया है। अब 5 वर्ष बाद कहा है, क्या कहा भाई, 5 वर्ष बाद रेशियो कितना दिया, 12:7। देखिए ना, अंतर समान है तो समान करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान से 5 वर्ष बाद 5 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर, क्वेश्चन में पूछा के की वर्तमान आयु, तो 6 से गुना, तो 6×5=30 अब वर्ष आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेखा रश्मि के वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। रेखा है और रश्मि है, वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा, रश्मि की वर्तमान आयु क्या है? देखिए बहुत आसान है, रेखा का हम R1 मान लिए और रश्मि का R2 मान लिए, ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, कितना, 7:4, और क्वेश्चन में आपसे कहा था 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद, ठीक है। ऐसे भी पी मतलब प्रिजन हो जाएगा, प्रिजन मतलब कैदी, और जब 3 साल बाद आता है तो उसको सब, मतलब समझ रहे हैं ना, सब बदला दिखाई दे रहा है, बहुत का अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो वर्तमान से 3 साल बाद जेल से छूट के आया, ठीक है,
अब यहाँ पर रेशियो कितना था 8:5, यहाँ पर भी अंतर एक का, यहाँ पर भी अंतर एक का, वर्तमान से 3 साल बाद छूटा है, 3 का अंतर, यहाँ पर अंतर कितना, 1 का अंतर। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में रश्मि का पूछा था, तो रश्मि कौन था, रेखा तो R1 थी, तो रश्मि R2 कितना हो गया 4, तो इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, मीना और सीना, क्या नाम है, मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:3 है, 6 वर्ष बाद मीना की 26 वर्ष हो जाएगी, तो सीना की वर्तमान आयु कितनी है, बहुत बढ़िया। तो मीना और सीना प्रेजेंट में दिया है कितना 4:3, और क्वेश्चन में जानते हैं क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद मीना, 6 वर्ष बाद मीना यहां पर कितना 26 वर्ष की हो जाएगी, तो प्रेजेंट में मीना कितनी वर्ष की होगी 20, और यहां पर प्रेजेंट में मीना कितना, रेशियो में 4, निश्चित राशि में कितना 20। इसको 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। अब क्वेश्चन में पूछा था सीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो सीना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब दो बहनों की के बीच में अंतर जो है 4 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं, बहुत आसान है। देखिए पिता की आयु 54 वर्ष, अच्छा पिताश्री जो है ना प्रेजेंट में 54 वर्ष की है, ठीक है, और माताश्री जो है, देखिए कैसे लिखते हैं, माताश्री पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं, तो 2 वर्ष बड़े हैं, तनी माता 52 वर्ष की होगी, और कह रहा था क्वेश्चन में कि छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, छोटी बहन की जो आयु है, छोटी बहन माँ से आधी है, तो ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा 26। फिर आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा दो बहनों के बीच का अंतर जो है 4 का है, कितना का अंतर है 4 का है, समझिएगा बात को। तो अब बताइए मेरे को, छोटी बहन आपका होगी 26 और बराबर यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर ये बड़ी बहन S1 है, तो इसमें क्या रख देंगे कि घटाने पर 4 आ जाएगा, तो कहिएगा कि 30 रखेंगे, यानी कि S1 यानी कि बड़ी बहन, S1 बराबर बड़ी बहन, और बड़ी बहन कितनी हो जाएगी 30 वर्ष की हो जाएगी, समझ में आया। देखिए S1 माइनस S2 का अंतर है 4, अब छोटी बहन दिया है क्योंकि छोटी बहन माता से आधी उम्र का था, तो 26, और यहाँ पर S2 26 हो गया, ये 4 हो गया, तो बड़ी बहन क्या होगी कि जो जिसका घटाने पर 4 आएगा, तो 30 होगा, तो बड़ी बहन ऐसी लग रहा है कि 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, 23 तो हो गया, 24 देख लीजिए, 24 पर जरा नजर डालिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, बहुत बढ़िया, उसी प्रकार का क्वेश्चन, S1 माइनस S2 और प्रेजेंट में अंतर जो दिया है ना 2 वर्ष दिया हुआ है, चलिए बहुत बढ़िया। रेशियो पिता 52 साल के हैं, पिताश्री 52 साल के हैं, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी कि 50 की माँ होगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, अब बड़ी बहन की जो आयु है माँ की आयु की क्या है, आधी है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी बहन यहाँ पर 25 है, बड़ी बहन का वैल्यू यानी S1 माइनस S2 बराबर 2, और बड़ी बहन यहाँ पर 25 है, तो 25 माइनस S2 बराबर 2, इसलिए S2 बराबर हो जाएगा 25, सेम डायरेक्शन में घटेगा कितना 23 वर्ष, तो छोटकी बहन कितनी बहन की हो जाएगी, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गला फंस गया, छोटी बहन जो है कितनी वर्ष की हो जाएगी, तो वह 23 वर्ष की हो जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी 24 तो हो चुका, 25 देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, जरा हम इसको पढ़ते हैं, और हाँ जी सरिस्का के 3 बच्चे हैं, चलिए ठीक है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया, 3 बच्चा है सरिस्का, पहला बच्चा दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा, पहला बच्चा दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा, ठीक है, कौन है, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तो तीसरा हो गया X और दूसरा इससे 4 वर्ष बड़ा है,
और कह रहा है पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है यानी पहला कितना बड़ा हो जाएगा? 9। तो हम लोग के अनुसार जोग इतना, प्रश्न के अनुसार जोग हो जाएगा 22। अब क्या करना है, 9 × 4 = 13 यानी कि 3x प्लस 9 × 4 = 13 बराबर 22। तो 3x बराबर हो जाएगा 22 में से 13 जाएगा 9, 3 × 3 = 9, x बराबर कितना 3। क्वेश्चन में जो पूछा है बोल दीजिए, सबसे बड़े बच्चे के अभी क्या होगा, तो बड़े बच्चे ये ना होगा, तो x प्लस 9, x का वैल्यू 3 + 9 = कितना 12, यानी 12 वर्ष हो जाएगा सबसे बड़ा बच्चा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया ना, 26 देखिए, 26 को करा जाए, देखिए 26 का कह रहा है क्वेश्चन, 26 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 26 क्वेश्चन कह रहा है कि नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का जोड़ जो है 48 वर्ष है, तो नीतू की आयु कितनी है? नीतू मीतू और गीतू है, नीतू मीतू और गीतू, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मीतू का गीतू के आयु से 7 वर्ष अधिक, गीतू के आयु से 7 वर्ष अधिक है मीतू की आयु, और फिर कह रहा है कि नीतू का मीतू के आयु से 10 वर्ष अधिक, नीतू के जो आयु है मीतू के आयु से 10 वर्ष अधिक, यानी x प्लस 10 वर्ष अधिक तो कितना हो जाएगा 17। तो हम लोग के अनुसार जोग इतना, प्रश्न के अनुसार जोग कितना 48। तो भाई साहब इधर हो जाएगा 3x + 24 = 48, तो 3x बराबर हो जाएगा 24, x बराबर कितना, x बराबर 8 वर्ष। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था, जानते हैं नीतू की आयु, तो नीतू हो जाएगा x का वैल्यू 8 + 17, तो नीतू का उम्र हो जाएगा आपका कितना वर्ष, 25 वर्ष। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम 26 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 26 तो हो गया, अब जरा 27 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, ठीक ना, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, देखिए मेरे वर्तमान आयु का 2/3, मान लीजिए कि मेरा वर्तमान आयु जो है, क्वेश्चन नंबर कितना था 27 है, 27 क्वेश्चन, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, है ना, कह रहा है कि मेरे वर्तमान उम्र, मान लीजिए कि मेरा वर्तमान उम्र जो है ए है और चचेरा भाई का जो उम्र है वो बी है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि मेरे वर्तमान उम्र का 2/3, 2/3, चलिए ठीक है, और कह रहा है कि भाई के, चचेरे भाई के 3/4 के बराबर है, चचेरे भाई के 3/4 के क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों यहां मेरा जो उम्र ए था, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कितना, अब डायरेक्ट निकालने के लिए आपको एक अप्रोच बताते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला कैल्शियम ले लीजिए, 2-3 कैल्शियम लीजिएगा, तो एल्शियम लेंगे तो इसको 2-3 कैल्शियम, 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, ठीक है, जब ऊपर में 2 से है तो नीचे में 2 से गुना, और 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, जब इसमें 3 से है तो नीचे में 3 से, तो ये 6 कट जाएगा, तो ए का वैल्यू आ गया 9 और बी का वैल्यू आ गया आपका कितना 8। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, तो 3 वर्ष पहले इसको निश्चित कर दीजिए, तो 3 वर्ष पहले, तो 9x - 3, 3 वर्ष पहले की जो मेरी उम्र है, मेरे चचेरे भाई के आज से 4 साल बाद, आज से यानी वर्तमान उम्र से 4 साल बाद के उम्र का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हटा दीजिए, ऐसे करिए आराम से, क्या दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 9x 8x, सेम डायरेक्शन में घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा, 7 हो गया। क्वेश्चन में मेरी वर्तमान उम्र क्या है, मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो 9x का वैल्यू 7, 9 × 7 = 63, यानी मेरी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 63 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हो गया 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, ए और बी में जो डिफरेंस है कितना का है, 16 वर्ष का है, चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा, पढ़ देते हैं पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी, ए और बी में कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? देखिए 6 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति आयु का 3 गुना थी, छोटे व्यक्ति की आयु की क्या थी, 3 गुना थी,
चलिए यहाँ पर तो मैंने कर दिया, यहाँ पर अंतर कितना का, 16 का। हम लोग के अनुसार अंतर कितना है, 2 का। तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जानते हैं क्या कि कम आयु वाले व्यक्ति, तो कम आयु वाला व्यक्ति तो ये छोटके ना होगा, तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो 1 से गुना होगा, छोटका व्यक्ति निकल गया। लेकिन ये निकला जरूर है, लेकिन 6 साल पहले का निकला है, तो वर्तमान में निकालने के लिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो छोटका निकल जाएगा, छोटका, ठीक है, यानी छोटे व्यक्ति की उम्र। तो 2 8 16 8 × 1 8 6 कितना, 14 वर्ष। तो आंसर हो गया 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन कह रहा है कि साई और सतीश, यहां पर हो गए साई और ये हो गया आपका सतीश, और साई और सतीश का रेशियो दिया है प्रेजेंट में 5:4 दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन में आपसे कह रहा 3 वर्ष बाद 11:9 है, 3 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात है 11:9 कितना है, 9 है। तो अब देखिए ना, अंतर समान है तो 4 9 5 का, 5 11 6 का, इधर अंतर 5 का है, इधर अंतर 6 का, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए नीचे का जो अंतर है ऊपर में गुना, और जो ऊपर का अंतर है नीचे में गुना। अब देखिए अंतर समान हो गया, 8 से हो गया 9, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद 3 यहाँ पर अंतर, हम लोग के अनुसार यहाँ पर अंतर 1। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा था सतीश की वर्तमान आयु क्या है, सतीश की वर्तमान आयु पूछा है, तो सतीश का वर्तमान आयु 8 ना है, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये आपका जो टाइप 1 था एज का समाप्त हो चुका। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ले लीजिए और उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 7488254204, तो ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक जो है आप उस पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।